हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी। नकली दूध पनीर मावा के बाद अब नकली सरसों भी बिक रही है बाजारों में। अब कैसे मिलेगा आपको शुद्ध तेल? बाजार में नकली दूध, घी, पनीर और वनस्पति तेल बिकने की खबरें तो आम बात हो गई हैं, लेकिन बाजार में नकली सरसों बिकने से आप शायद ही वाकिफ हों, लेकिन ऐसा हो रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में नकली सरसों बिकने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। शुक्रवार शाम को राजस्थान के बीकानेर में एक सरसों फैक्ट्री में नकली सरसों से भरी हुई पिकअप गाड़ी आई। फैक्ट्री मालिक ने जब बोरी की तुलाई की तो उसका वजन असामान्य लगा। जब उसने सरसों के दानों को पानी में डाला तो वे घुल गए। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि जब सरसों में तेल की मात्रा चेक करने के लिए इसका परीक्षण किया गया तो इसमें तेल की मात्रा भी 42% पाई गई। नकली सरसों पकड़े जाने का ये मामला पहला नहीं है। 12 मई को राजस्थान के टोंक के मालपुरा मंडी में भी काली मिट्टी से बनाई गई नकली सरसों का ट्रक पकड़ा गया था और इस ट्रक में लाई गई नकली सरसों की लैब में जांच कराई गई, जिसमें से तेल की मात्रा 38.9% पाई गई। पुलिस ने तब ट्रक में लाई गई सरसों जब्त कर केस दर्ज कर लिया था। इससे पहले अप्रैल में भी भरतपुर जिले की वैर कृषि उपज मंडी में भी कुछ लोग 17 कट्टे नकली सरसों बेचने आए थे। कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई सोनिया गांधी, खड़गे ने रखा था प्रस्ताव। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक बार फिर से पार्टी संसदीय दल का प्रमुख चुना गया है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार किया और कहा कि लोकसभा चुनाव में मोदी की राजनीतिक और नैतिक हार हुई है तथा उन्होंने नेतृत्व करने का अधिकार खो दिया है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि संविधान सदन यानी पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को CPP प्रमुख नियुक्त करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसका पार्टी के 3 सांसदों गौरव गोगोई, तारिक अनवर और के सुधाकरन ने अनुमोदन किया। फिर से CPP प्रमुख चुने जाने पर सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं का आभार जताया और कहा कि कांग्रेस ने इस चुनाव में अपनी दृढ़ता का परिचय दिया है। उन्होंने ये दावा भी किया कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक और नैतिक हार हुई है तथा ऐसे में उन्होंने न सिर्फ जनादेश बल्कि नेतृत्व करने का अधिकार भी खो दिया है। राजस्थान में अब किसानों को मिलेगा ज्यादा पैसा, भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद CM भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड में आ गए हैं। CM ने वादे के मुताबिक किसान संबल राशि 2000 रुपए बढ़ा दी है। पहले किसानों को 6000 रुपए मिलते थे जो कि अब बढ़ाकर 8000 रुपए कर दिया गया है। BJP ने अपने घोषणा पत्र में किसान संबल राशि 8000 रुपए देने का वादा किया था। इसकी जानकारी खुद CMO ने साझा की है। सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2000 रुपए बढ़ाकर 8000 रुपए कर दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि किसानों को संबल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2000 रुपए बढ़ाकर 8000 रुपए कर दी गई है। नीट UG में हुई धांधली, NTA ने दी सफाई, ग्रेस मार्क वाले सेंटर पर भी उठाया बड़ा कदम। नीट UG 2024 के रिजल्ट को लेकर चल रहे विवाद के बीच परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी है। NTA के DG सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे छिपाया जाए, रिजल्ट तैयार हो जाता है तो हम घोषित कर देते हैं। सोशल मीडिया पर जितनी भी जानकारियां आ रही हैं वह हमारी प्रेस रिलीज से आ रही है। NTA के DG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने 4700 सेंटर पर परीक्षा आयोजित किया था जिसका रिजल्ट 4 जून को घोषित किया गया था। सुबोध कुमार सिंह ने NTA को एक पारदर्शी संस्था बताते हुए कहा कि हम सभी चैलेंज को एड्रेस करते हैं। आपको बता दें कि NTA के DG सुबोध कुमार सिंह ने आगे कहा कि सिर्फ 1600 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको गलत पेपर मिला, उनको पूरा समय नहीं मिला। कई जगहों पर छात्रों को पूरा समय नहीं मिला, ऐसे कई स्टूडेंट्स अदालत गए। उन्होंने कोर्ट में बोला कि उनका जो टाइम खराब हुआ है
उसका कंपनसेशन दिया जाए। एनटीए के डीजी ने कहा कि कमेटी गठित की गई है और ये पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ था उनका नंबर बढ़ाया गया है। उन्होंने 719 और 718 अंक मिलने पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि हमने सबकी जांच के बाद ही रिजल्ट जारी किया है, पूरे देश में ऐसा नहीं हुआ है, मामला सिर्फ 6 सेंटर और 1600 बच्चों का है। जांच में फेल हुए इन बड़े ब्रांड के मसाले, मानक से ज्यादा मिला कीटनाशक, एक्शन में राजस्थान सरकार। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की जांच में बड़ी मात्रा में ऐसे मसाले पाए गए हैं जिनमें कीटनाशक की मात्रा मानक से ज्यादा पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले कई दिनों से प्रदेश भर में मसालों की गुणवत्ता जांचने के लिए अभियान चलाया जा रहा था और इस अभियान की जांच में पाया गया कि MDH, एवरेस्ट, गजानंद, श्याम, शिबा, ताजा जैसे बड़े ब्रांड के मसालों में कीटनाशक की मात्रा मानक से ज्यादा पाई गई है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसवार ने इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव खत्म होते ही एक्शन मोड में चंपई सोरेन की सरकार, सिविल सर्जन समेत 4 पर कार्रवाई का आदेश। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता खत्म होते ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विभागीय कार्यों के निपटारे की गतिविधियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में उन्होंने सिविल सर्जन समेत अलग अलग विभागों के 4 अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है और इनमें से 3 अधिकारी झारखंड प्रशासनिक सेवा के हैं और 2 सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में झारखंड प्रशासनिक सेवा के चतुर्थ बैच के अधिकारी राम प्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है और ये रोक झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 2016 के नियम के तहत की गई है। राम प्रवेश धनबाद के बलियापुर के तत्कालीन अंचल अधिकारी थे, अभी वो जामताड़ा जिले के कर्मा टांड में अंचल पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है। वहीं ढापरसे के सेवानिवृत्त पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह पर उनकी पूरी पेंशन आजीवन रोके जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और ये दंड झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 अ के तहत दिया गया है। वह बिहार के सहरसा स्थित सोनबरसा में BDO पद पर कार्यरत थे। क्या सच में हरियाणा रोक रहा है दिल्ली का पानी? नायब सैनी सरकार ने आम आदमी पार्टी को दिया जवाब। दिल्ली में भीषण गर्मी से परेशान लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होने पर टैंकर मंगवाए जा रहे हैं जिससे पानी भरने को लेकर अक्सर लड़ाई की स्थिति देखने को मिल रही है और इन सब के बीच दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर पानी रोकने और राजधानी के लोगों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। सरकार का कहना है कि पिछले 5 दिनों में यमुना में कम पानी छोड़ने से नदी का जल स्तर कम हो गया है और ये दोनों राज्यों के बीच पानी को लेकर जारी विवाद पर लेटेस्ट आरोप है। हरियाणा ने आम आदमी पार्टी की सरकार के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पानी को लेकर सस्ती राजनीति कर रही है और राज्य समझौते के अनुसार पानी की सप्लाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश को दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश देने के 1 दिन बाद दोनों राज्यों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। कोर्ट ने आदेश में जोर देकर कहा कि पानी को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं आतिशी ने शुक्रवार को कहा था कि हरियाणा जानबूझकर पानी की आपूर्ति को रोक रहा है। हेमंत सोरेन से जुड़े हुए जमीन घोटाले में JMM नेता अंतु समेत 10 पर चार्जशीट। ED ने बताया कैसे रची थी साजिश। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े हुए जमीन मामले में ED ने झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 10 आरोपियों पर कोर्ट में चार्जशीट दायर की है और इसमें फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने की बात कही गई है। इसके साथ ही एक पूरे सिंडिकेट के सक्रिय रहते हुए राशि के लेन देन का भी जिक्र किया गया है। आरोपियों में अंतु के अलावा राजस्व विभाग का कर्मचारी मनोज कुमार यादव, कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के 2 कर्मचारी तापस घोष और संजीत कुमार, हजारीबाग कोर्ट में डीड राइटर मोहम्मद इरशाद, प्रिय रंजन सहाय, विपिन सिंह, इरशाद अख्तर, अफसर अली, सद्दाम हुसैन शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द कराए जाने के संकेत, पार्टी सिंबल के लिए मांगे गए आवेदन। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की ओर से इस तरह के संकेत मिले हैं। आयोग ने कहा है कि उसने केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव चिन्ह के आवंटन के लिए पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों से आवेदन तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने बताया कि इस बारे में चुनाव चिन्ह सुरक्षित अधिकार व आवंटन आदेश 1968 के पैरा 10B में जिक्र है। इसके तहत कोई भी रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल सदन का कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन कर सकता है।
अधिकारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल विधानसभा भंग है, इसलिए निर्वाचन आयोग ने एक बयान जारी कर चुनाव चिन्हों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के पास अपने आरक्षित चिन्ह होते हैं, इसलिए पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को उम्मीदवार उतारने के लिए उन्हें चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में मतदाताओं की भागीदारी से मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार उत्साहित हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि निर्वाचन आयोग बहुत जल्द केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा। मनोज जरांगे ने शुरू किया आमरण अनशन, बढ़ेगी शिंदे सरकार की मुश्किलें, कहा मराठा आरक्षण नहीं दिया तो लड़ूंगा महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इसको लेकर उन्होंने इस साल अप्रैल में ही संकेत दिया था। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस ने उन्हें अनिश्चितकालीन अनशन की अनुमति दी है। पाटिल ने कहा कि अगर इस बार मराठा आरक्षण नहीं दिया गया तो वह महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जो कि इस साल के अंत में अक्टूबर में होने की उम्मीद है। बता दें कि मनोज जरांगे ने मराठा समुदाय के लोगों के सभी रक्त संबंधियों को कुनबी के रूप में मान्यता देने संबंधित मसौदा अधिसूचना के क्रियान्वयन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया है। जरांगे ने कुनबी को मराठा के रूप में मान्यता देने के लिए कानून बनाने की भी मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे स्वीकार नहीं की गई तो वह आगामी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सभी 288 सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे। मंत्री हो या विधायक, जनता के बीच जाएं, वीआईपी कल्चर छोड़ें। मंत्रिमंडल की मीटिंग में सख्त दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव में भाजपा परफॉर्मेंस से नाखुश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने मंत्रियों से कहा है कि वह वीआईपी कल्चर छोड़कर जनता के बीच जाएं। मंत्री हो या फिर अन्य जनप्रतिनिधि, सभी को वीआईपी कल्चर से परहेज करना होगा। हमारी कोई भी गतिविधि ऐसी न हो जो वीआईपी संस्कृति को प्रदर्शित करती हो। इसके लिए सभी को सतर्क और सावधान रहना होगा। जनता के बीच संवाद, समन्वय और संवेदनशीलता की नीति अपनाते हुए उनकी समस्याओं के समाधान की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने लोकभवन में अपने मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के कारण आचार संहिता लागू थी, अब तेजी से विकास की काम कराने की जरूरत है। मंत्री फील्ड में जाएं, जहां भी समस्या हो मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं, हम हर समय पूरा सहयोग करेंगे। भारत के साथ सुधरेंगे मालदीव के संबंध, मोदी के शपथ ग्रहण में आ सकते हैं मोहम्मद मुइजू। बता दें कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है और उन्होंने राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का प्रस्ताव भी पेश कर दिया है और अब 9 जून यानी रविवार को शपथ होनी है और इस मौके पर कई देशों के नेता शिरकत कर रहे हैं। उनमें अहम नाम मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू का है। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारत और मालदीव के संबंध कमजोर बनने शुरू हो गए हैं। वहीं अगर वह नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं तो इससे आगे के लिए सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। देश की सरहदों की सुरक्षा को मिले 355 युवा अफसर, आईएमए से 39 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए। भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए से पास आउट होकर 355 युवा भारतीय सेना में अफसर बन गए हैं और इस दौरान विदेशी मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट भी पास आउट होकर अपने देश की सेना में अफसर बनेंगे। पासिंग आउट परेड में युवा अफसरों का हौसला देखते ही बन रहा था। आईएमए से पास आउट होने वाले कुल 394 कैडेटों में 39 विदेशी कैडेट होंगे। 355 भारतीय कैडेट सेना के अलग अलग कोर से जुड़कर देश के हर कोने में सेवा देने के लिए जाएंगे। परेड की सलामी उत्तरी कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने ली और इस दौरान आईएमए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, डिप्टी कमांडेंट मेजर जनरल आलोक नरेश भी साथ रहे। पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं दी बधाई, खुद देने लगा सफाई, बोला यह भारतीयों का निजी फैसला। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद दुनिया भर के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी, हालांकि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने उन्हें बधाई नहीं दी है। अब पाकिस्तान की तरफ से इसको लेकर बयान भी सामने आया। पाकिस्तान का कहना है कि वह भारत के साथ अच्छे संबंध और सहयोग के समझौते चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बातचीत के जरिए विवाद का हल निकाला जाए। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि भारत के लोगों का अधिकार है कि वे अपने नेता को चुने और तय करें कि कौन बेहतर सरकार चला सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव में एनडीए को 293 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला है।
और 9 जून को मोदी कैबिनेट का शपथ ग्रहण होना है और इस मौके पर पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित भी किया गया है। हालांकि इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, सेशल्स, नेपाल और नेपाल के नेताओं की नई दिल्ली पहुँचने की उम्मीद है। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना नई दिल्ली पहुँच चुकी है। शहरी इलाकों में फोकस करने की जरूरत, CWC की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी नसीहत। बता दें कि अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि जनता ने तानाशाही और असंवैधानिक ताकतों को तगड़ा जवाब दे दिया है। लोगों को कांग्रेस में विश्वास है। देश के वोटर्स ने बीजेपी के 10 साल के शासन को नकारा है। बीजेपी ने इस देश में बांटने की और घृणा की राजनीति की है। CWC की तरफ से खड़गे ने नव निर्वाचित सांसदों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम लड़े और जीते, परिस्थितियां प्रतिकूल थी फिर भी हमारी जीत हुई। खड़गे ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी चुनाव के दौरान सक्रिय रहने के लिए धन्यवाद दिया। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को धन्यवाद देते हुए कि उनकी वजह से ही देश में संविधान के बारे में विचार, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए मुद्दे उठाए गए और जनता ये बातें समझ गई है। भारत जोड़ो यात्रा के असर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर और सीट दोनों में बढ़ोतरी हुई है। जहां से भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली है वहां खासा असर देखने को मिला। मणिपुर इसका उदाहरण है। इस दौरान खड़गे ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिला है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में अभी काम करने की जरूरत है। कई राज्यों के ऐसे शहरी इलाके हैं जहां कांग्रेस ने विधानसभा के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन इस बार विफल रही। ऐसे इलाकों पर फोकस करने की जरूरत है। राहुल गांधी लोकसभा में बने नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव हुआ पास। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC ने राहुल गांधी से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर प्रस्ताव पास किया है। संगठन के प्रभारी पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि CWC ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी से लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने की अपील की है। संसद के अंदर इस कैंपेन को लीड करने के लिए राहुल जी सबसे सही व्यक्ति हैं। वेणुगोपाल से पूछा गया कि इस प्रस्ताव को लेकर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया क्या रही तो उन्होंने कहा कि इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि वह विचार करेंगे। क्या इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को ऑफर किया था प्रधानमंत्री पद, JDU के दावे पर कांग्रेस बोली। बता दें कि क्या इंडिया गठबंधन की ओर से जनता दल यूनाइटेड यानी JDU के प्रमुख नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया था। इन दिनों इस सवाल पर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल JDU के नेता KC त्यागी ने ऐसा दावा किया था कि नीतीश को गठबंधन की ओर से यहां PM पद की पेशकश की गई थी। अब कांग्रेस की ओर से इसका जवाब भी दिया गया है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। KC त्यागी ने इंटरव्यू में कहा था कि राजनीति का खेल ऐसा है कि जिन लोगों ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक बनाने से इनकार कर दिया, अब वे नीतीश कुमार को PM बनाने की पेशकश कर रहे हैं। JDU के सीनियर नेता ने कांग्रेस और दूसरे दलों पर नीतीश कुमार के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि उनकी पार्टी इंडिया अलायंस में वापस नहीं लौटेगी। आपको बता दें कि 12 सीटों के साथ नीतीश कुमार की JDU NDA गठबंधन में भाजपा की अहम सहयोगी के रूप में उभरी है। वोट तो लिया पर पैसे कैसे देंगे, मंत्रियों की बैठक से पहले अखिलेश राहुल पर राजभर ने कसा तंज। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने मंत्रियों की बैठक में शामिल राहुल अखिलेश पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने झूठी अफवाह फैलाई। विपक्ष ने कहा कि संविधान और आरक्षण खतरे में है जिसको लेकर अफवाह फैली। वहीं विपक्ष ने पैसे का लालच भी दिया था और अब वही लोग उनके कार्यालय पर पैसे लेने के लिए पहुँच रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख OP राजभर ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने झूठ बोला कि अगर BJP के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई तो वह संविधान बदल देगी। उन्होंने लोगों को 1 लाख रुपए देने की भी बात की। उन्होंने वोट तो ले लिया लेकिन पैसे कैसे देंगे, ये केवल राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास हुआ है। आतंकी मामलों का दोषी बोला, 2 सजाओं को साथ साथ चलाएं, हाईकोर्ट बोली, अब रहम की गुंजाइश नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए दोषी की लगाई गई उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने UAPA के मामले में उसकी 7 साल की सजा को एक अन्य मामले में उसे दी गई 8 साल की सजा के साथ चलाने का निर्देश देने की मांग की थी। उसे ये सजा अर्ध कुंभ में हमला करने की साजिश रचने व भारत में ISIS का बेस स्थापित करने की साजिश रचने के लिए सुनवाई गई है। बता दें कि यहां कोर्ट ने उसकी अपील को नामंजूर करते हुए कहा कि निचली अदालतें उसे सजा देने में पहले ही काफी नरमी बरत चुकी हैं
ऐसे में उसे अब उसके साथ और नरम रुख नहीं दिखाया जा सकता। कंगना से हार पर बोले विक्रमादित्य, कहा लड़ना नहीं चाहता था चुनाव, सोनिया गांधी की वजह से उतरा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की कंगना रनौत से चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने कभी टिकट की मांग नहीं की। उन्हें चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी की सीनियर नेता सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिया था। उन्होंने कहा कि आपको मंडी से चुनाव लड़ना है। एक इंटरव्यू में विक्रमादित्य ने अपनी हार पर कई सवालों के जवाब दिए। जब विक्रमादित्य से पूछा गया कि इस सीट का प्रतिनिधित्व आपके पिता और माता ने किया है, आप अपनी हार को कितना बड़ा झटका मानते हैं, तो इस पर विक्रमादित्य का कहना था कि यह एक ऐसा अनुभव है जो लंबी अवधि में मेरी मदद करेगा। वह एक योद्धा है जो युद्ध के मैदान से नहीं भागते। जीतना और हारना खेल का हिस्सा है। हमारा वोट शेयर कई गुना बढ़ने के बावजूद वह हार गए। यह हार उनके लिए झटका नहीं है। वह सिर्फ 34 साल के हैं और उन्हें बहुत आगे जाना है। यहाँ तक कि उनके माता पिता आदरणीय वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह को भी इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वे भी तीन तीन बार जीते थे। नायडू की टीडीपी से होंगे 4 मंत्री, नीतीश कुमार को क्या मिलेगा? मोदी 3.0 में इन नेताओं को मिल सकती है जगह। प्रधानमंत्री पद के लिए नामित नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार रविवार को शपथ ले रहे हैं और इस बीच नई सरकार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के विभिन्न घटकों के लिए मंत्री परिषद में हिस्सेदारी को लेकर भाजपा नेतृत्व और सहयोगी दलों के बीच गहन विचार विमर्श चल रहा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली नई कैबिनेट में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को 4 विभाग मिलेंगे, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू को 2 पद मिलेंगे। टीडीपी के जिन 4 नेताओं को पीएम मोदी की नई कैबिनेट में जगह मिल सकती है, उनमें से राम मोहन नायडू, हरीश बाल योगी और दग्गू मल्ला प्रसाद वे 3 नेता हैं। वहीं एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार की जेडीयू ने 2 वरिष्ठ नेताओं में ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर के नाम का प्रस्ताव रखा है। ललन सिंह बिहार के मुंगेर से लोकसभा के चुनाव में लड़े थे और जीते थे, जबकि रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद हैं। रामनाथ ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और सरकार के शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल में जगह तय करने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बैठक में ये निर्णय लिया गया। आज का सुविचार, हमेशा सीखने पर फोकस करें, क्योंकि जितना आप सीखते हैं उतना ही आप कमा सकते हैं, फिर चाहे वो पैसा हो या फिर इज्जत। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।